नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज प्रतिमास किचन में बनने वाला है पुदीना राइस की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है और कम समय में भी इसे आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एटलीस्ट 2 से 3 मिनट वॉच करें, फिर मुझे कमेंट करें। और वीडियो देखने के बाद इसमें एक लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। तो चलिए, अब मैं आपको इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप चावल को धो के रखा है। इसी मेजरमेंट कप से मैंने 1 कप चावल लिया है, तो इसी के हिसाब से हम 2 कप पानी देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पुदीना और धनिया मिक्स करके लिया है। पुदीना मैंने 1 कट्टा लिया है और धनिया थोड़ा सा लिया है, तो इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा उड़द दाल, जीरा और करी पत्ता लिया है तड़के के लिए। और यहाँ पर मैंने 1 प्याज लिया है चॉप करके, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची लिया है। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को चलते हैं। ये जो पुदीने का पत्ता और धनिया का पत्ता है, पहले इसे मैं मिक्सी जार में डालूँगी। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, और अब मैं ये जो लहसुन के कलियाँ लिया है उसको भी मैं डाल देती हूँ इसमें। 6 से 7 कलियाँ लिया है मैंने लहसुन का, और थोड़ा सा जिंजर लिया है, और हरी मिर्ची को ऐसे मैं तोड़ के इसमें दे रही हूँ। तो अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट ही बनाना है इसको। तो नेक्स्ट प्रोसेस को चलते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर गरम कर लिया है और उसमें मैं 1 चम्मच ऑयल के साथ 1 चम्मच घी दे दिया है, देसी घी। और अब मैं इसमें तड़के के लिए जो जीरा और उड़द दाल डाल दिया है और करी पत्ता डाल देते हैं। और अब हम इसमें 1 हरी मिर्च लिया है, तीखा है इसलिए मैं 1 लिया है, आप अपने हिसाब से लीजिए। और चॉप किया हुआ प्याज भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है। और गरम मसाले में मैंने स्टार अनासी, दालचीनी, लौंग, जावित्री, थोड़ा सा पेपर लिया है। आप चाहो तो गरम मसाला को ऑयल में फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं प्याज के साथ ही डाल दिया है, लेकिन उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब मैं ये जो पुदीने का पेस्ट बना के रखी हुई थी उसको भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करती हूँ। और 1 टमाटर लिया है, उसको मैं पेस्ट बनाऊंगी, प्यूरी बनाऊंगी। तो ये देखिए, टमाटो का प्यूरी मैं डाल देती हूँ। 1 मीडियम साइज का टमाटो मैंने लिया है, इसे थोड़ा सा खट्टा बनाता है। और स्वाद अनुसार नमक दे देते हैं। और उसमें मैं कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है, पाउडर मसाला कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि पुदीने का फ्लेवर वो मुँह में आना चाहिए। और अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। चावल को धो के तो रखा हुआ था, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पुदीने के साथ। तो ये देखिए, अब मैं इसमें 2 कप पानी दे रही हूँ, ये देखिए, और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और अब हम प्रेशर का ढक्कन बंद कर देते हैं और 2 सीटी आने तक हम पकाएंगे। ये देखिए, 2 सीटी आ चुका है और मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। इसका गैस जाने के बाद हम इसे निकालेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा घी डालती हूँ 1 पैन में, और काजू डालती हूँ। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक, और इसे लो फ्लेम में ही हमें फ्राई करना है। तो ये देखिए, काजू हो गया है और गैस का सीटी भी जा चुका है। देखिए चावल कितना खिला खिला बना है, आप देख सकते हो। और ये इसके लिए मैंने प्लेन राइस ही इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। काजू मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, आप पूरा इसके साथ मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं ऊपर से सजाऊंगी। तो ये देखिए, और अब मैं इसके साथ रायता ले रही हूँ, और काजू को थोड़ा ऊपर से सजा लेते हैं। और 1 पुदीने का पत्ता इसके ऊपर दे देती हूँ, अच्छा लुक आएगा। तो ये देखिए,
हमारा पुदीना राइस और रायता बनकर रेडी हो गया है। बिल्कुल आप इसी तरह बनाइए, खाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।